नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। यह अक्सर देखा गया है कि बिहार के चुनावों में धन और बल दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिहार में अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति वाला नेता चुनाव लड़ता है तो उसकी जीतने की संभावना 15% रहती है। वहीं अगर कोई साफ छवि वाला नेता चुनाव लड़ता है तो उसकी जीतने की संभावना मात्र 5% रहती है। यह भी देखा गया है कि अगर आपराधिक मामलों वाला नेता धनी भी है तो उसकी चुनाव जीतने की संभावना और बढ़ जाती है। यही नहीं, अगर वह उम्मीदवार जीत जाता है तो उसकी संपत्ति भी बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के राजनीतिक जगत में जरूरी नहीं कि अगर कोई नेता शिक्षित है तो आपराधिक नहीं होगा। यहाँ की राजनीति में यह अक्सर देखा गया है कि जो जितना शिक्षित है उस पर उतना ही गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और खास बात यह है कि उसके पास धन भी अधिक है। राज्य में वर्ष 2005 के बाद अब तक हुए चुनाव के उम्मीदवार और जीत हासिल करने वाले नेताओं के विश्लेषण की जो रिपोर्ट सामने आई है, आइए एक बार उस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005 से अब तक 10,785 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे जिनका विश्लेषण किया गया। इन उम्मीदवारों में लगभग 30% ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने खुद पे लगे आपराधिक आरोपों की घोषणा की। इन दागी नेताओं में करीब 20% ऐसे नेता हैं जो गंभीर अपराध के आरोपी हैं। जीत हासिल करने के बाद 820 सांसदों और विधायकों का विश्लेषण हुआ तो इनमें से 57% पे आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें 36% पर गंभीर आरोप थे। इससे साफ होता है कि वही उम्मीदवार ज्यादा जीते जिन पर आपराधिक घटनाओं में संलिप्त होने का आरोप ज्यादा लगे थे। इस प्रकार उम्मीदवार की संपत्ति और जीते उम्मीदवारों की संपत्ति का विश्लेषण किया गया तो पता चला कि दोनों के बीच का अंतर लगभग दोगुना है। सभी उम्मीदवारों के पास औसतन 1.09 करोड़ की संपत्ति थी। जीत जाने के बाद जब सांसदों और विधायकों की संपत्ति का आकलन इन नेताओं की घोषणा के आधार पर किया गया तो औसत संपत्ति बढ़कर 2.25 करोड़ हो गई। हालांकि आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि इस दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति आमदनी 6 गुना बढ़ी है। शिक्षा और अपराध अगर दोनों की तुलना एक साथ करें तो नतीजे और भी रोचक निकले हैं। चुनावों में उतरे स्नातक या उससे अधिक की शिक्षा हासिल करने वाले प्रत्याशियों में 33% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 21% शिक्षित उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं अगर कम शिक्षित उम्मीदवारों यानी 12वीं तक शिक्षा ग्रहण करने वाले उम्मीदवारों की बात करें तो 28% ही आपराधिक मामलों के आरोपी हैं। गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल उम्मीदवारों की संख्या सिर्फ 20% है। रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो धन और अपराध का राजनीति से सीधा संबंध है, साथ ही शिक्षा का अपराध से कोई लेना देना नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।